नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो आइए साथियों, आज के लेसन में हम सीखेंगे अलंकार का रियाज करने के लिए, और इस तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ जिसे आप एक बार में कभी भी कहीं भी आसानी से बजा सकते हैं, सीख करके कोई भी गीत को निकाल सकते हैं। तो चलिए, अलंकार हारमोनियम के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप हारमोनियम सीख रहे हैं तो अलंकार आपको ज़रूरी है सीखना, क्योंकि बेसिक से हारमोनियम सीखना बहुत ही अच्छी है। चलिए, आज अलंकार का रियाज जो है फुल नोटेशन के साथ आपको बताऊंगा, ताकि आपको आसानी से एक बार में समझ में आ जाए। तो चलिए, आपको क्या करना है, शुरुआती अगर अभी तक हमारे आरसी फिल्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। जहाँ साथियों, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, आपको एक भी स्टेप मिस नहीं करना है, ताकि पूरा समझ में आ जाए। देखिए, मोबाइल से हारमोनियम सीखना बहुत ही आसान है। मोबाइल से हारमोनियम सीखने के लिए आपको प्ले स्टोर में इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के लिए आप हारमोनियम टाइप कीजिए प्ले स्टोर में जा करके, और आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लेसन में अलंकार सीखते हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो यहाँ पर अलंकार, ठीक है साथियों। तो अलंकार का जो पहला, सबसे पहले हम जानेंगे अलंकार कितने हैं, हारमोनियम में अलंकार कितने होते हैं। तो सात हैं, तो सात स्टेप से सीखना है इसे, ठीक है। अलंकार कितने होते हैं? सात, ठीक है। तो सबसे पहला हम थाट बिलावल से स्टार्ट करते हैं, लेसन बाय लेसन बिलावल थाट से। बिलावल थाट का जो है अलंकार सीखेंगे। इसका पहला अलंकार होगा आरोह और अवरोह, दोनों बताएंगे। इसका पहला है आरोह, आरोह इसका क्या होगा देखेंगे। सा रे गा मा प ध नी सा, ये ता सप्तक का सा है। तो इसमें सारे के सारे स्वर जो है शुद्ध है। अब इसका अवरोह, अवरोह इसका लिखेंगे ता सप्तक का सा, उसके बाद नी, उसके बाद धा, उसके बाद पा, उसके बाद मा, उसके बाद ग, उसके बाद रे, उसके बाद सा। तो ये हो गया पहला अलंकार। ये पहला अलंकार का पहला स्टेप है, थाट बिलावल का जो अलंकार है उसका पहला स्टेप। अब दूसरा में आएंगे, दूसरे अलंकार का हम रियाज कैसे करेंगे, दूसरा स्टेप का। दो दो स्वर, तो यहाँ पे आरोह में होगा इसका कैसे, सा सा, उसके बाद रे रे, उसके बाद गा गा, उसके बाद मा मा, उसके बाद पा पा, धा धा, नी नी,
और फिर सा सा, ठीक है। इसी तरीके से इसका जो है अवरोह को भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा अलंकार का जो अवरोह है सीधा इसी का जो है पलट पलट करके लिख दिए हैं, इसी तरीके से सासा नीनी दादा पापा मामा गागा रे रे सासा, इस तरीके से। अब इसका तीसरा तीसरा देखेंगे क्या है। तीसरे में हम दो दो स्वर लेंगे, सा रे, उसके बाद रे गा, उसके बाद गा मा, उसके बाद मा पा, उसके बाद प ध, उसके बाद ध नी, उसके बाद नी सा, ठीक। इसी के विपरीत जो है इसका अवरोह भी होगा, कैसे देखिए। इसका जो अवरोह है देख पा रहे हैं, इसी का उलट जो है इसका अवरोह। अब जो है चौथा अलंकार, इसमें क्या करेंगे, इसमें आपने देखा कि दो दो स्वर का जो है लेकर के चले और एक एक स्वर जो है छोड़कर हम आगे बढ़ते गए, जैसे सा रे, उसके बाद यहाँ पे रे गा, तो सा छोड़ दिए इसमें, इसमें रे छोड़ दिए, इसमें यहाँ पे आके गा छोड़ दिए। तो इसी तरीके से यहाँ जब चौथा अलंकार में हम जाएंगे तो तीन तीन बटम को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, कैसे। यहाँ पे हो जाएगा आरोह में सा रे गा, उसके बाद रे गा मा, उसके बाद गा मा पा, उसके बाद मा पा धा, उसके बाद हो जाएगा प ध नी, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे ध नी और फिर तार सत्य का सा। फिर इसी के विपरीत हम लिखेंगे श नी धा, तो इस तरीके से इसे सीधा उलट करके लिखना है। तो चौथा अलंकार का जो अवरोह है वह इस प्रकार है, ये वाली लाइन। अब आइए इसका पांचवा अलंकार में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पे तीन तीन स्वर ले रहे थे, अब यहाँ पे चार चार स्वर हम लेंगे, कैसे। इसका जो आरोह है इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा सा रे, चार स्वर लेंगे सा रे गा मा, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप, उसके बाद रे गा मा पा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा गा मा पा धा, ठीक है। गा ये मा होगा, गा मा पा धा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा मा पा धा नी, उसके बाद प धा नी सा, प ध नी सा, ठीक है। अब इसी का विपरीत जो है यहाँ पे लिखना है, कैसे। तार सप्तक का सा आ जाएगा, उसके बाद नी, उसके बाद ध, उसके बाद प, तो इस तरीके से विपरीत करके यहाँ पे पूरा लिखना है यहाँ पे। तो इस तरीके से पांचवा अलंकार का जो अवरोह है वह पूरा हो जाएगा। अब आइए छठे अलंकार में। छठे अलंकार में क्या करना है, अब पांच स्वर लेंगे, कैसे। सा रे गा मा, उसके बाद पा। इसका रियाज बताएंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसका रियाज भी। उसके बाद फिर एक को छोड़ना है, यहाँ पे हो जाएगा रे गा म प ध, फिर यहाँ पे हो जाएगा गा म प
धा नी, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे हो जाएगा मा पा धा नी, उसके बाद तार सप्तक का सा। इसी तरीके से फिर इसका विपरीत हम लिखेंगे, सा नी धा प म, पूरा लिखना है यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरीके से छठा अलंकार का जो जो अवरोह है वह भी पूरा हो चुका है। अब आइए अंत में सातवां अलंकार। सातवां अलंकार कितने होते हैं, अगर कहीं पे आपको यह सवाल मिल जाए तो यहाँ पे सीधा डायरेक्ट बताना है सात, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, जब पांच पांच स्वर ले रहे थे, अब हम छह स्वर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से सा रे गा म प, 1 2 3 4 5 और एक धा, ठीक है। अब इसे छोड़ेंगे, यहाँ से लिखना है रे, एक रे गा म प धा नी, ठीक है। उसके बाद रहेगा गा गा म पा धा नी और ता शतक का शा, 2 2 4 2 6 हो गए। अब ठीक इसी का जो विपरीत है, शा नी धा प म ग, ठीक है। उसके बाद आएंगे इसे नी धा प म ग रे, ठीक है। उसके बाद है अंत में धा प म ग रे श, ठीक है। साथ ही तो अब ये पूरा हो चुका है, आप इसे चाहें तो एक बार इसका पूरा स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं, ताकि आपको आसानी हो। थाट बिलावल का ये है, आसानी हो सीखने में, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो अब आइए जो है हम इसका जो है पूरा रियाज जो है करके दिखाते हैं, कैसे आपको करना है इसका रियाज घर पे। तो हर थाट का जो है नोटेशन इसी प्रकार रहेगा, अगर आपको 10 थाट आता है तो ठीक है, नहीं तो पिछला लेसन जो है थाट का था, तो आप देखिए थाट आपको कैसे सीखना है, कैसे बजाना है, तो वहाँ से आप ये कर सकते हैं। तो चलिए अब जो है इसे हम रियाज करके दिखाते हैं कि कैसे आपको रियाज करना है, ठीक है साथियों। तो इसका पहला क्या है, पहला थाट का हम रियाज करेंगे। तो थाट बिलावल का जो पहला अलंकार है इस प्रकार है, सारे के सारे स्वर स्वर शुद्ध हैं, सा रे सा, फिर इसका अवरोह होगा सा नी धा पा तो ये हो गया पहला अलंकार। तो साथ में याद रहे जब आप इसका रियाज करें तो इसके स्वर में स्वर मिला करके जो है ना साथ ही साथ चलना है। इसका दूसरा अलंकार है इस प्रकार से, सा शा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी पा। तो यहाँ पे दूसरा भी कंप्लीट है। तो इस तरीके से इधर यहाँ से यहाँ सीधा जाना है और फिर वापस आना है। इस रियाज में होता क्या है कि आपके जो स्वर की जो पहचान है ना वह स्ट्रोंग हो जाएगा, और कोई भी गीत का जो स्वर है ना
आप आसानी से पकड़ सकते हैं कहाँ से स्टार्टिंग है। तो आइए अब तीसरा अलंकार का रियाज करते हैं। तीसरा कैसे है देखेंगे। देखिए एक एक दो दो स्वर इसे इसमें लेके चलेंगे और एक एक को फिर हम छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। कैसे? सारे, ठीक है, देख रहे हैं आप, सारे, उसके बाद रेगा रेगा, उसके बाद गामा गामा, मा पा पा धा धानी, नी सा सानी, नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा। तो आरोह और अवरोह दोनों कंप्लीट है। अब चौथे में चलते हैं। इसी तरीके से इसमें तीन तीन स्वर को लेकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा गा धा पा धानी धानी सा सा नी धा पा धा पा मा पा मा गा मा गा रे गा रे सा। ठीक है साथियों, अब इसका जो पांचवा अलंकार है देखेंगे इसे ध्यानपूर्वक। ये वाली पांचवा लाइन, इसमें एक दो तीन चार चार स्वर को लेकर के आगे बढ़ेंगे और एक छोड़ते हुए जाएंगे। सबसे इसमें मेन पॉइंट है कि एक एक बटन को छोड़ के हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे। कैसे? सा रे गा मा रे गा मा पा धा मा पा धानी पा धानी सा सा नी धा पा मा धा पा मा गा पा मा गा रे मा गा रे सा। ठीक है, तो पांचवा पूरा हो गया। अब छठे में हम बढ़ते हैं। तो इसमें पांच पांच स्वर को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे इस तरीके से। सा रे गा मा पा, ठीक है, पा गा सॉरी सा रे गा मा पा रे गा मा पा धा गा मा पा धा नी मा पा धा नी सा। इसी प्रकार वापस आएंगे। ठीक है साथियों, अब है सातवें अलंकार। इसमें छः छः स्वर को हम लेकर के बढ़ेंगे और फिर वापस आएंगे। ठीक है, कैसे? इस तरीके से। ठीक है, फिर वापस। जब पूरा हो जाए तो फिर से एक बार आपको ये वाले स्वर फर्स्ट वाली इसे रिपीट करना। कैसे? सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते फिर अगली वीडियो में। अगर ये अच्छा लगा तो शेयर भी कर दीजिए ताकि जो है और सभी सीख सके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जितना हो सके, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको लिखने में भी परेशानी नहीं होगी। तो आप ले सकते हैं इसे स्क्रीनशॉट, बहुत ही आसान तरीका से मैं बताया हूँ। अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे एरोसी फिल्म को, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। साथियों, वीडियो देखने के लिए आप सभी को जो है दिल से धन्यवाद।